नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ब्रेड, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च, काला नमक, कुटी हुई काली मिर्च, घी। यहाँ पे मैंने सारी सब्जी की स्लाइस कर ली है कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे दो ब्रेड लिए, इस पे मैं लगा रही हूँ सॉस। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है, खास करके बच्चों की तो ये फेवरेट है। आप इस तरह से बनाइए, अलग तरह का नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। मैंने दोनों ब्रेड पे अच्छे से सॉस लगा लिया है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं प्याज की स्लाइस। लॉकडाउन में हम बाहर जा नहीं सकते, ये सामान भी इजीली घर में मिल जाता है, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। अलग तरह का नाश्ता है, सबको पसंद आएगा। कई बार होता है कि कुछ अलग नाश्ता बनाए, तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। ये जितना हेल्दी होता है, टेस्टी भी उतना ही होता है। शिमला मिर्च, आप इन सब्जी की जगह और भी आपके पास जो भी कोई सब्जी है जो आप कच्ची खा सकते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे ककड़ी है। सब्जी की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने दो ब्रेड और लिए, उस पर भी मैंने सॉस लगा के इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक, काली मिर्च, गैस की फ्लेम ऑन यहाँ पे चढ़ा दिया एक पैन। इस पे लगा रही हूँ मैं घी। दो ब्रेड रख दिए, पलटे की सहायता से इस तरह से दबाते हुए मैं इनको सेक लेती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रखी है, ध्यान ये रखना है ब्रेड को जलाना नहीं है, इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करना है, तभी ये ज़्यादा सैंडविच अच्छी लगती है। कई बार क्या होता है, हम गैस की फ्लेम फुल कर लेते हैं, ब्रेड सिक तो जाती है पर वो जल जाती है, तो खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है। पलटे की सहायता से मैं इस तरह से दबाते हुए इसको सेक लेती हूँ। आप देख सकते हैं ब्रेड का कलर जो है बहुत ही अच्छा आया है, पलटे से दबाने की वजह से ये अच्छे से सैंडविच खुलेगी भी नहीं और आराम से बन जाएगी। आप इस तरह से बनाइए, आप इसको चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में, चटनी के साथ में, सॉस के साथ में कैसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसी तरह मैं अपनी सारी ब्रेड सैंडविच जो है वो बना लेती हूँ। ये जितनी इजी तरीके से बन जाती है खाने में, ये इतनी अच्छी लगती है। घी लगा देती हूँ, और पलट के दोनों तरह से अच्छे से सेक लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी गोल्डन ब्राउन और कितनी अच्छी सी सिक्की है। बस इसका सेकने का जो तरीका है वो ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप इसको अच्छे से सेकोगे तो जो सैंडविच है बहुत ही अच्छी बनेगी, कम खर्चे में बनती है और हेल्दी भी है। आप इस तरह से बनाइए, खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू जी। देखिए सारी सैंडविच जो है वो मैंने सेक ली है। यहाँ पे मैंने सॉस लिया है, आप इसको ग्रीन चटनी और सॉस के साथ में खा सकते हैं। धन्यवाद जी।